हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस के अंतर्गत हम लोग झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैथ एंड साइंस के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। यह 1 to 5 लेवल सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो जो नए सिलेबस है उसके आधार पर ये क्लासेस होते हैं। तो जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं 1 to 5 या 6 to 8 सहायक आचार्य के रिगार्डिंग, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है वो काफ़ी ऑफर भी चल रहे हैं। अभी जो कोर्स फी पड़ रहा है 1 to 5 का, वो 2200 रुपये पड़ रहे हैं। और जबकि अगर हम 6 to 8 की बात करें, SST, कॉमर्स, मैथ साइंस या फिर भाषा टीचर, इस रिगार्डिंग जो है 5500 पड़ रहा है, यानी 5500 रुपये पड़े। वहीं अगर दोनों जो कंबाइंड ज्वाइन करना चाहता है तो उनका जो है वो 7500 जो है वो ऑफर भी है। तो इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले से स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इनमें रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा हम उन पर विचार करते हैं और चर्चा करते हैं तथा डिस्कस करिए। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, हीटर में क्वाइल किसका बना होता है? यानी द क्वाइल इन अ हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर या फिर लोहा। करेक्ट आंसर है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है, जो कि निकेल और क्रोमियम से बना हुआ है, जिसमें कि निकेल की मात्रा 80% होती है जबकि क्रोमियम की मात्रा 20% होती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बहुत ठोस और बहुत लचीली होती है? कार्बाइड, टंगस्टन, कास्ट आयरन या फिर नाइक्रोम। तो देखिए, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा नाइक्रोम होगा। नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही ठोस और बहुत ही लचीला होता है, और ये यानी कि बहुत ही ठोस, यानी कि ये डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? तो जिसे हम एक थिन वायर के रूप में ड्रो यानी घींच सकते हैं या फिर बना सकते हैं, और फ्यूज वायर के रूप में भी जो है वो नाइक्रोम तार का ही प्रयोग किया जाता है। और इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो है वो हाई रेजिस्टिविटी होती है और मिनिमम टेम्परेचर पर ये कार्य करता है। तो इस कारण जो है इसका प्रयोग फ्यूज वायर में भी किया जाता है। इसके अलावा इनका अन्य और जो प्रयोग है वो आप देख सकते हैं, डेंटल रिस्टोरेशंस, यानी कि दांतों में माल भरने के लिए भी जो है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य अदर भी एप्लीकेशंस है नाइक्रोम का। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली एक जमे हुए झील में जीवित रह सकती है क्योंकि? चार ऑप्शन है। तो देखिए, जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, उनमें अगर हम विचार करते हैं तो चूंकि जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, फिर बर्फीली जो जगह होती है उसमें क्या होता है कि जो झील होता है तो झील का ऊपरी लेयर जो है वो बर्फ से ढक जाता है, जबकि निचला, ठीक है, उसके नीचे का जो जल होता है वो द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था में ही होती है, और इसमें मछली आसानी से जीवित रह पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तल के समीप का जल नहीं जमता है, इस कारण मछली जीवित रहती है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर या फिर दोनों? तो देखिए, अगर हम एक पेंडुलम की बात करें तो किसी सपोर्ट से अगर स्ट्रिंग को हम झुलाते हैं और यहाँ पर एक गेंद को बांध देते हैं तो ये टू एंड फ्रो करता है, ये स्ट्रिंग का लेंथ होता है। तो अब हम अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं पेंडुलम का, तो टी बराबर होता है 2 पाई, और 2 पाई और रूट अंडर L/G। तो
अब देखिए यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एल ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है यानी कि लंबाई है स्ट्रिंग का, तो इस पर ही टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई जो है वो है फर्मीमीटर। फर्मीमीटर या अगर 10 हम 10 के सफिशेंट के रूप में यानी सरप्लस के रूप में लिखना चाहें, प्रीफिक्स और सनफिक्स के रूप में, तो यह जो है वो 10^-15 के इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई है इन चारों में वो है हमारा डी नंबर, फर्मीमीटर। माइक्रोमीटर 10^6 होता है, नैनोमीटर 10^9 और एंगस्ट्रोम 10^-10 मीटर। अब देखिए फर्मीमीटर का हम यूज जो है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस को मेजर करने के लिए हम फर्मीमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की तरफ चलता है तो नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, उससे दूर जाएगी, या फिर वो स्थिर रहेगी या फिर डूब जाएगी। देखिए ये न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित क्वेश्चंस है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना हम एक्शंस करेंगे उतना ही रिएक्शंस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में। तो जब हम नाव यानी समुद्र की बात करें, नाव पर हैं और यहाँ पर जो है वो हमारा किनारा है, तो अगर हम नाव पर से छलांग लगाते हैं तो हमारा पैर क्या है कि नाव को पीछे की ओर ढकेलता है। तो नाव क्या करेगी, हमारे पैर को आगे की ओर ढकेलेगी, जिससे हम क्या करेंगे, किनारे पर आ जाएंगे। तो अब देखिए यदि वह किनारे तरफ चलता है यानी कि व्यक्ति जो है वो किनारे की ओर छलांग लगाता है, तो नाव क्या होगी, किनारा से दूर हटेगी, समुद्र की ओर बढ़ेगी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर, किनारे से दूर जाएगी यानी मूव अवे फ्रॉम द शोर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक माइक्रोन की लंबाई कितनी होती है या फिर दर्शाती है? 1 माइक्रोन यानी कि 10^-6। अगर नैनो रहता तो 10^-9 होता, माइक्रो है तो माइक्रो है तो 10^-6, मिली रहता तो 10^-3। अगला है, हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति के साथ यात्रा करने वाले निकाय किस गति से यात्रा करेगा? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक या फिर इंफ्रासोनिक। तो देखिए अगर किसी ध्वनि में वेग से अधिक की गति के साथ अगर कोई ट्रेवल करता है तो उसे हम सुपरसोनिक गति कहते हैं यानी स्पीड कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। बाकी मेक संख्या ये किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड का रेशियो ध्वनि के रेशियो के साथ अगर हम करते हैं तो वो मैक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन डैश के साथ चल रही है, किसके साथ, त्वरण के साथ, डी एसलेशंस के साथ, या फिर समान गति के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है एसलेशंस के साथ जो है वो ट्रेन चल रही है, तभी जो है सिक्का उछालने पर उसके पीछे जो है वो गिर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाइना के माल पैकिंग से पहले कागज के पुआल में लिपटे हुए होते हैं, यह अवधारणा किसका अनुप्रयोग है? तो देखिए जब हम कोई चीज, अब तो पुआल की जगह जो है वो जो फाइबर है वो आ गया है, ठीक है। फाइबर जब टीवी हो गया, एसी, कूलर, फ्रिज, इन सबको पैकिंग से पहले जो है ये आपका
ऊपर से जो है वो कवर किया जाता है फाइबर से। वहीं अगर हम देखें तो सीसा वगैरह जो आते हैं वो पुआल में लपेट दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो टूटने फूटने का डर जो है काफी कम हो जाता है। तो जब पुआल रखते हैं तो टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, जिससे कि फोर्स जो है वो कम होता है। जब फोर्स कम उस पर लगेगा तो ऑब्वियस है कि जो पैकिंग माल है वो फूट नहीं सकता है। तो ये अवधारणा जो है वो आवेग, ठीक है, इम्पल्स पर आधारित है, ठीक है, आवेग पर जो है वो आधारित है। और इसके अलावा इससे संबंधित ही आप अन्य एग्जाम्पल मान सकते हैं, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि जब हम बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, तो वहां पर भी हम टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम हाई जंप मारते हैं तो मिट्टी को खुरदरा कर देते हैं, यानी फोड़ देते हैं, या फिर बालू पर जो है वो छलांग लगाते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, टाइम पीरियड को हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें फोर्स यानी हम पर जो है वो फोर्स कम लगता है और हमें चोट की आभास बहुत कम या फिर न के बराबर होती है। तो सही आंसर यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला है, जब कोई निकाय स्थिर होता है तब क्या होता है? देखिए ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर एक वस्तु है, निकाय है, ये स्थिर कब रह सकती है? तो स्थिर एक तो कि हम इस पर कोई बल दे ही नहीं, दूसरा कि हम अगर संतुलित मात्रा में इस पर फोर्स लगाएं चारों तरफ से तो भी उस स्थिति में ये स्टेशनरी पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शंस नंबर और डी है, ठीक है, इस पर कार्य करने वाला बल एक दूसरे को अगर संतुलित करता है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अगर एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो उस अवस्था में बॉडी क्या होगा? स्टेशनरी रहेगा, स्थिर रहेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को हवा की अनुपस्थिति में निश्चित ऊंचाई से गिरती है तब क्या होता है? ठीक है, भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में जमीन पर बाद में पहुंचता है, या हल्की वस्तु भारी वस्तु की तुलना में जमीन पर बाद में पहुंचता है, भारी और हल्की दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर एयर यानी कि रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है और दो वस्तुओं को एक निश्चित ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जब दो वस्तुओं को निश्चित हाइट से गिराई जाती है तो इनकी जो मूवमेंट होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, रूट अंडर 2gh से जो है ये नीचे गिरते हैं तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए ये क्या होंगे कि इक्वल समय में यानी कि ये एक साथ जो है वो जमीन पर पहुंचेगी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, भारी और हल्की दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, ठीक है। आप अगर 1 किलो रुआ ले या फिर 1 किलो बाट ले, पृथ्वी तक पहुंचने में जो है वो दोनों समय समान इस समय में जो है वो पृथ्वी पर पहुंचेगी। अगला है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, चंद्रमा के आकर्षण से संतुलित है, ऐसी दूरी पर गायब हो जाता है, सी है वायुमंडल द्वारा उत्पादित खिंचाव द्वारा संतुलित किया जाता है, या फिर एक घुमावदार रास्ते में अपनी गति का आवश्यक त्वरण पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा कि एक घुमावदार रास्ते में अपनी गति का जो है वो आवश्यक जो त्वरण होता है उसे पैदा करता है। तो सही आंसर आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2CO3 या फिर H2S?
देखिए भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम से बनाया जाता है। ड्यूटेरियम का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो डी है, तो इस प्रकार से भारी जल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो D2O हो जाएगा। कभी कभी D2O का जो है वो ये मॉलिकुलर मास पूछ दिया जाता है कि मॉलिकुलर मास जो है वो क्या होगा D2O का। तो देखिए डी ऐसे तो हाइड्रोजन का जो है वो एक होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, लेकिन ड्यूटेरियम का दो होता है। तो दो है तो दो एटम जो है वो ड्यूटेरियम का, तो दो दुना चार हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, मॉलिकुलर मास लिखने के लिए हम द्रव्यमान संख्या का प्रयोग करते हैं, तो इसका 20 हो जाएगा। जबकि वाटर का कितना होता है, वाटर का जो है वो 18 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या एक होता है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों जो है वो आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, जिसमें कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु संख्या का तीनों में सेम होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का एक होता है, ड्यूटेरियम का दो होता है और ट्रिटियम का तीन होता है। कभी कभी यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में कौन रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो ट्रिटियम, ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या 3 है, वो जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व की तरह बिहेव भी करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से पेरिस का प्लास्टर क्या है। तो देखिए पेरिस का प्लास्टर ये जिप्सम से बना हुआ होता है। जिप्सम को अगर डिहाइड्रेटेड किया जाता है, यानी कि पेरिस ऑफ प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट, ऐसे हेमी कैल्शियम सल्फेट को ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। जबकि हम जिप्सम्स की बात करते हैं तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर हो जाता है, तो उसे हम जिप्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि केमिकल फॉर्मूला फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला अभी हमने बताया कि CaSO4 ये 4 जो है आपका नीचे में होगा, और H2 हाफ H2O, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पेरिस ऑफ प्लास्टर जिसका प्रयोग जो है वो डॉक्टर लोग प्लास्टर करने में करते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर आपका बी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका एक आयरन है, जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या फिर आयरन। तो देखिए मोनाजाइट्स की हम अगर बात करते हैं तो मोनाजाइट्स का अयस्क भारत में काफी ज्यादा है, ठीक है, ये थोरियम धातु का अयस्क है, थोरियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, क्योंकि देखिए यूरेनियम के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड होते हैं, तो भारत का ये पहल है कि क्यों ना हम यूरेनियम की जगह हम थोरियम का प्रयोग करके हम अपने कामों को संपादित करें, और इस पर जोरदार काम भी चल रहे हैं। तो चूंकि थोरियम का भंडार भारत में काफी ज्यादा है, थोरियम सबसे अधिक भारत में केरल के तटों में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, थोरियम। एंड नेक्स्ट प्रश्न, विल बी ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है। तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सिलिकॉन जो कि एक उप धातु है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए दो तरह के होते हैं, एक ऊर्जा कुछ क्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ क्रियाओं में ऊर्जा का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण किया जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए सूर्य से जो है वो सूर्य का प्रकाश को अचीव किया जाता है, तो ये अब्जॉर्ब करने वाले हैं। जबकि जब हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, जब आप हाथ को नाक पर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि एनर्जी लूज हो रही है, तो रिस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है, ये ऊर्जा मुक्त, ठीक है, ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है। बाकी फोटोसिंथेसिस, वाष्पीकरण और अवशोषण, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अगला प्रश्न है, एक पत्थर पर पैर मारने से व्यक्ति को किसके कारण चोट लगती है? जड़ता, वेग, प्रतिक्रिया या फिर संवेग? तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम आइडेंटिफाई हो रहा है। जब आप एक पत्थर पर जो है पैर को मारते हैं, तो अब क्या है कि जितना जोर से आप पैर से पत्थर को मारते हैं, पत्थर भी आपको उतना ही फोर्स से जो है वो मारता है। लेकिन ये जो फोर्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो यहाँ कारण हो जाएगा रिएक्शन। जब आपने एक्शन किया तो रिएक्शंस भी होगा, और रिएक्शंस के कारण ही जो है आपको चोट लगती है। तो सही आंसर सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है जो कि मैथ से है, लॉग 10,000 का मान क्या होगा? तो देखिए लॉग के हम स्पेसिफिक फॉर्मूला की बात करें, तो अगर लॉग अगर बेस सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बेस 10 के रूप में यानी कि लॉग 10 अगर लिखना चाहें तो पावर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 4 है। तो अब यहाँ पर लॉग 10 बेस हो तो लॉग 10 बेस अगर 10 है और ये चूंकि पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, तो लॉग यहाँ पर और लॉग 10 बेस 10 तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? ए नंबर। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है, एक लड़का 12 किलोमीटर की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट समय लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी औसत गति क्या होगी? तो देखिए आप बिना पेन और पेपर का जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो घर से जो है वो स्कूल तक का दूरी ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि हमें स्पीड और टाइम दिया गया है। अब हमने देखा कि टाइम जो है वो मिनट में है जबकि स्पीड घंटा में है, तो समय को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 हो जाएगा, यानी 1/3। ठीक है, 12 गुना 1/3 हो गया, तो यहाँ से 4, यानी कि स्कूल की दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। अब 4 किलोमीटर जब 12 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट में पहुंचता है, लेकिन उसे 15 मिनट में ही पहुंचना है, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी जो है उसको 15 मिनट में तय करनी है, तो औसत गति क्या होगा? तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना? तो हम क्या कर देंगे उस केसेस में, तो डिस्टेंस 4 है और टाइम 15 मिनट है, तो 15/ क्या करना होगा? 60, तो 60 जो है वो ऊपर में आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो 15 चौका 4, 15 चौका 60, तो 4 चौका 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर वो चलता है तो 20 मिनट की जगह वो 15 मिनट में ही स्कूल पहुंच जाएगा। तो सही आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ेगा? तो देखिए वर्ग की भुजा ए स्क्वायर होता है। अब एक भुजा को हम दुगना कर देते हैं तो अब दुगना का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 का 15%, तो 15% परसेंट को 1/100 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 15/100 हो जाएगा। तो नीचे में जो 100 होगा वो 1 0 और 1 0 कैंसिल कर देगा, है ना? 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 15 दुना 30 और 15 दुना 30 और 3 33, तो 30 330 आएगा, 330 में 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 33 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन में इज द, अब 8 का सम है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया गया है कि एक 4 है, 4 8, फिर 3 8, फिर 2 8 और फिर 8 को आपको ऐड करना है, तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए जब इसको हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 1 होगा, यानी कि इधर जो है 8 वो 1 2 3 4, 8 का 32, तो 2 होगा। अब 2 2 जगह है, अब पुनः जो है वो 8, तो 8 जो है अब 3 में ही हुए, 1 1 1, 8 3 की 24 और 3 27 हो जाएगा। अब 2 कैरी रहा 2, अब चूंकि 8 दूना 16, अब 2 ही में 8 है, 16 और 2 18, ठीक है, यानी कि 2 7, 8 दूना 16,
और 2 18 और 8 और 1 9। तो 9 8 7 2, 9 8 7 2 ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। तो ये अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 450 सेव में से 30% सड़े हैं, तो कितने सेव ठीक हैं? तो अब देखिए, अगर मान लीजिए 450 को हम 100% मान लेते हैं, तो 30% सड़ गए, यानी कि अच्छे सेवों की संख्या 70% हुई। तो 470 का 70% तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 45 गुना 7 कर दीजिए। तो 45 गुना 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 5 और कैरी रहा 3 और 7 28 और 3 31, यानी कि 315 सेव जो है यहाँ पर ठीक है। अगर हमें सड़े हुए सेव पूछता तो 45 दिया कितना हो जाएगा, तो 135, तो 135 जो है वो खराब है। तो इस तरह से यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस मैथ्स के भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 26 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। तो यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं या फिर इन नंबरों पर कांटेक्ट करके। और वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि जो कंप्लीट कोर्स जो ऑलरेडी बैचेज चल रहे थे उनमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें ये होगी कि आपको जो है वो सिंसियरली प्रिपरेशंस करने होंगे और जो है वो चीज़ों को ये टाइम देकर जो है आप एक दिन में जो है वो 2 4 वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी जो है वो प्रारंभ है। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।